और आप देख रहे हैं iTel Vision 1 Pro अनबॉक्सिंग वीडियो। क्योंकि ये स्मार्टफोन सिर्फ 6500 रुपए की करीब करीब प्राइस में इंडिया के अंदर मार्केट में अवेलेबल है, तो इसमें आपको 32GB स्टोरेज के अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक जैसे फीचर्स मिलते हैं और 6.5 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले भी दिया गया है। आगे चल के देखते हैं इसमें क्या कुछ खास है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे इसका डिस्प्ले से। तो 6.5 इंच का आपको HD+ वाटर ड्रॉप स्क्रीन दिया गया है और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आपको एक कैमरा भी दिया गया है 5 मेगापिक्सल का, और ऊपर ही यहाँ पे ईयर स्पीकर मिल जाता है। फोन में अगर आप नीचे से देखेंगे तो आपको मिलता है एक माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट और एक माइक। लेफ्ट साइड में फोन के कुछ दिया हुआ नहीं है। ऊपर की तरफ एक आपको मिलता है 3.5mm ऑडियो जैक, और राइट साइड में देखेंगे तो आपको वॉल्यूम कीज के अलावा एक पावर ऑन ऑफ बटन भी दिया गया है। फोन को पीछे से देखेंगे तो लुक एंड डिजाइन के हिसाब से काफी अल्टीमेट लगता है। यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा दिया गया है और LED फ्लैश भी आपको साथ में मिल जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहीं पे दिया गया है। और फोन का कलर वगैरह बात करें, फिनिशिंग की बात करें तो एक बजट फोन के हिसाब से काफी अच्छा लगता है। और यहाँ पे आपको एक स्पीकर के अलावा iTel का ब्रांडिंग भी दिया गया है। चलिए अभी यहाँ पे इसका फिंगरप्रिंट सेंसर चेक कर लेते हैं। तो फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे मैंने चेक किया, काफी इंप्रेसिव है इस प्राइस रेंज की। स्पेशली बात करें बजट प्राइस रेंज के अंदर, जस्ट टच कीजिए और अच्छे से एनरोल करिए और आपको यूज टू होना पड़ेगा, तो यहाँ पे अच्छे से आप इसको अनलॉक कर पाएंगे। इसके अलावा फेस अनलॉक भी चेक कर लेते हैं। फेस अनलॉक भी बहुत अच्छे से इसमें काम कर रहा है। जस्ट आप सामने लाइए, अच्छे से फेस एनरोल कर लीजिए और बस आपका इंस्टेंट यहाँ पे अनलॉक कर देगा। तो फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों काम करते हैं अच्छे से। चलिए चलते हैं अब इसके सेटिंग मेन्यू में और वहां पे जाएंगे अबाउट फोन सेक्शन में। तो यहाँ पे इसके बारे में आपको फुल डिटेल दी गई है कि 6.5 इंच का ये डिस्प्ले वगैरह है, कैमरा की डिटेल है और कितना 4000mAh बैटरी है, 2GB रैम मिलता है, 32GB स्टोरेज मिलता है और क्वाड कोर आपको इसमें प्रोसेसर भी मिल जाता है। इसके अलावा इसकी बात करें तो यहाँ पे इसमें एंड्रॉयड 10 दिया गया है। थोड़ी सी और सेटिंग में अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 10 मिल जाता है और काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी दी गई है। अब बात करें, हालांकि 2GB का रैम मिलता है लेकिन अगर आप बात करें तो स्टोरेज 32GB का मिलता है। और अगर आप पीछे से इसको आपको खोलना पड़ेगा फोन को ऐसे, और खोलने के बाद आप यहाँ पे 2 SIM इसमें इंसर्ट कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे अगर देखेंगे तो मेमोरी कार्ड भी आप इसमें इंसर्ट कर पाएंगे। तो स्टोरेज भी आप चाहे तो इसका बढ़ा सकते हैं, 32GB आपको ऑलरेडी मिलता है। 4000mAh इसमें आपको बैटरी मिलती है। और इसके बॉक्स कंटेंट की ओर जाए तो यहाँ पे एक चार्जर भी दिया गया है जो कि आपको मिलता है 5V 1A का आपको चार्जर मिलता है इसके अंदर। अब बात करें, यहाँ पे एक चार्जिंग केबल भी है, माइक्रो USB फोन है आपका iTel Vision 1 और एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर भी इसमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इसमें दी गई है बॉक्स की बात करें स्पेशली। और अब यहाँ पे इसका एक बार कैमरा चेक करते हैं। तो कैमरा ओपन करने के बाद आप देखेंगे फर्स्ट लुक में ठीक ठाक यहाँ पे दिख जाता है इसमें, और काफ़ी सारे मोड दिए गए हैं। वीडियो सेटिंग भी चेक करेंगे तो वीडियो सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आप एक चीज़ है कि 720p तक ही HD क्वालिटी यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाएंगे। कैमरा की बात करूँ मैं स्पेशली तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा, लेकिन बजट प्राइस के अंदर ओके बोल सकते, ज़्यादा कुछ खास कैमरा से आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। बाकी ओवरऑल ये स्मार्टफोन आपको इस प्राइस रेंज में कैसा लगा, फाइनल प्राइस नहीं पता लेकिन इसकी MRP 7199 रुपये दी गई है और 6500 रुपये मैंने ऑफलाइन मार्केट में कंफर्म किया है, तो वहाँ पे ये लगभग मिल जाता है इस प्राइस में। तो कम ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।